साथियों, आज इस वीडियो का बहुत ही बेसब्री से आपको इंतजार होगा। बिल्कुल बिल्कुल रहना ही चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे से हम बैंड बजाने वाले हैं ना आज। तो हमने पहले जिनसे बात की थी उनको फोन लगा के कह देते हैं कि सर ये वीडियो मेरा चालू है। नमस्कार सर, मैं काजल निषाद। जी सर, ये वीडियो जो आज का जिस वीडियो में मेरे पास फोन है, यही वो वीडियो जिससे मैंने बात की थी, आज का वीडियो है। आप इस वीडियो में नीचे कमेंट दिखिएगा, देखिएगा, और ये वीडियो आप देखिएगा कि मैंने इसमें क्या गलत बोला है। ठीक है, धन्यवाद सर। और वो सारे पेपर भी मैं आज इस वीडियो में दिखाऊंगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो जहां मैंने कंप्लेन करनी थी वहां कर दी, और ये सारे लोगों के स्क्रीनशॉट्स खींच खींच के रखे। ये मेरी गलत आईडी किसी ने बनाई थी, ये मेरी गलत आईडी बनाई थी, और नीचे ये हिंदू और मुस्लिम वाला जानबूझ के बदनाम करने की कोशिश। सारे इसमें वो सारे लोग जिन्होंने बहुत गंदी गंदी गालियां दी है, बलात्कार तो कहीं और हो रहा है, यूपी में हो रहा है, तुमको क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारा तो नहीं हुआ ना, ऐसे ऐसी सब जो इसमें लिखी हुई है। अभी क्या है कि हमारे कच्चे मित्र ने हमको ये कहा कि मैडम इनका जो है ना नाम आप अपने वीडियो से मत लीजिएगा, इसीलिए कि ये 2% के जो है ना, उनकी औकात सिर्फ 2% की ही है, ये फालतू में फेमस हो जाएंगे, क्योंकि इनको देश से वैसे भी कोई मतलब नहीं है, महिलाओं से भी कोई मतलब नहीं है, इनको गाली देकर फेमस होना है। ठीक है, लेकिन चिंता मत करिएगा, ये सारा पोती पत्थर जितना भी है सबके नाम अच्छे से हमने लिख के रखे हैं, अच्छे से स्क्रीनशॉट खींच खींच के रखा है। और अभी जो हमारी बात हुई, बताएंगे नहीं, बाद में बताएंगे जब इनको कॉल आएगा अच्छे से, लेकिन किसी को भी छोड़ेंगे नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि ये बहुत हो गया। क्या होता है कि घर में जब भी जैसे चिपकली आ जाए, चूहा आ जाए, मच्छर आ जाए, कीड़े आ जाए, तो महिला ये नहीं कह देती है कि अरे छोड़िए, जाने दीजिए, बाद में हो जाएगा, ठीक है, एक ही आए ना, दो चार आए ना, ऐसा नहीं कहती है। महिला झाड़ू उठाती है, झाड़ू उठा के साफ करती है अपने घर को। तो कितने लोग कहते हैं अरे जाने दीजिए, ये जो है वो इनको समझ नहीं है, इनको बुद्धि नहीं है, ये तो गोबर है, छोड़ दीजिए, कुछ लोग बोलते। तो नहीं नहीं भैया, नहीं, इनको छोड़ना नहीं चाहिए। आप एक दो को छोड़ देंगे, ये 10-12 और पैदा हो जाएंगे। इनकी वही कमर जो है ना, वही तोड़ दीजिए, इनकी मुंडी पे वही पैर रख के मसल दीजिए इनको। क्या है कि ये जो सर्पीले नाग अपने आप को कहते हैं ना, ऐसे नागों को हम ऐसे मफलर लगा घूमते हैं, इनको हम बताना चाहते हैं कि हम कौन है। और ये सोचते हैं कि मैं सिर्फ मोदी जी का ही क्यों नाम लेती हूं। कुछ लोग तो वीडियो बना के जो है सोचते हैं कि बहुत बड़े ज्ञानी। अरे भैया, तुम हमको चौरी चौरा हम ढूंढ रहे हो, पहले तो तुम हमको जानते नहीं हो, पहले असली जगह हमको ढूंढो, जहां हम लड़े थे ना वहां हमको ढूंढो, तब हम तुमसे बात करें ना। तुम्हें हमारे बारे में पता ही नहीं है और तुम हमसे बात करोगे, तो पहले जाके हमारे बारे में पता करो। क्या है कि तुम लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ ये सरकार के लिए, ये सरकार के बारे में आवाज उठा रही हूं। मैंने हमेशा जनता के बारे में आवाज उठाई है, चाहे सरकार किसी की भी रहे। कल मैं अपना पूरा ये अपना फेसबुक का पूरा प्रोफाइल अपना देख रही थी, आपने देखा ही क्या है मेरे बारे में, आप जानते ही क्या हो मेरे बारे में। आप पीछे जाके देखिए मेरी, मैं क्योंकि कवित्री हूं, मैं लिखती भी थी, पहले मैं लिखती थी, अब मैं वीडियो बनाती हूं, आगे हो सकता है कि मैं सड़क पर भी उतरूं जनता के लिए, भारत के लिए, जहां मुझे गंदगी दिखेगी मैं वहां उतरूंगी। मैंने कविताएं कुछ लिखी थी अपनी, आपने देखा है, मोदी की सरकार नहीं थी, मोदी की सरकार नहीं थी। और भक्तों, तुम्हारी कसम तुम मर जाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी कसम, लेकिन मैंने मोदी जी का नाम भी नहीं लिया था। ठीक है, ये मेरी कविताएं हैं, देखो, मेरा भारत महान, ये देखो, ये डेट, तब मोदी जी नहीं थे,
लेकिन मैं भारत के लिए हमेशा आवाज उठाती हूँ। तब मैंने लिखा था कि देश प्रेमी के मुंह पे नकाब नहीं होता, भारत को माँ समझने वाला कभी बर्बाद नहीं होता। वीर क्रांतिकारियों सा जज्बा रखो यारो, क्योंकि सिर्फ नारे लगाने से देश आजाद नहीं होता। देश के बारे में आवाज उठानी भी पड़ती है, चाहे आपकी ही सरकार क्यों ना हो। देश में कहीं कुछ गलत हो रहा है तो आवाज उठाइए, अपने जमीर को मत बेचिए, मैं यही कहती हूं। और आगे सुनिए, और जो आप कहते हो ना कि हिंदू मुस्लिम करते हो, आप ये सोचते हो कि सिर्फ मुसलमान ही आतंकवादी हो सकता है, तो भैया ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। विकास दुबे मुसलमान नहीं था, प्रज्ञा ठाकुर मुसलमान नहीं है, लेकिन वो आतंकवादी है। आतंकवादी जो होता है ना, वो सिर्फ आतंकवादी होता है, न हिंदू होता है न मुसलमान होता है, वो आतंकवादी होता है। आतंकवादी से आप लड़िए, अब हिंदू मुसलमान से मत लड़िए। मैंने भी लिखा है, मैंने भी लिखा है आतंकवादी के ऊपर, तो मैंने भी लिखा है, क्योंकि वो कोई जाति धर्म का नहीं होता। कुछ लोग खराब हो सकते हैं, लेकिन उससे आप पूरी कौम को बदनाम नहीं कर सकते, पूरी कौम बदनाम नहीं हो सकती। अगर विकास दुबे आतंकवादी था तो पूरे हिंदू आतंकवादी नहीं है, और कसाब अगर मुसलमान आतंकवादी था तो सारे मुसलमान को भी आप दोष नहीं दे सकते, क्योंकि आतंकवादी ही आतंकवादी होता है। वो कोई धर्म कोई मजहब का नहीं होता, वो सिर्फ बर्बाद करना जानता है। उनकी गोली जो निकलती है, उनका बम जो निकलता है, वो किसी जाति धर्म पूछ के नहीं मारता है भैया, वो सिर्फ आतंकवादी होते हैं। तो ये जो मुखटा पहनाते हो ना कि हिंदू मुसलमान, ये करना छोड़ दीजिए। मैं पहले ही बोलती हूं कि ये मत करिए, सिर्फ भारत को देखिए, भारतवासी है, सारे भारतवासी है, समझे। सुनिए, अभी मैंने तभी लिखा था, तभी भी मोदी जी नहीं थे, भक्तों आपकी कसम मोदी जी नहीं थे तब। सुनिए, जब कोई आतंकवाद में घायल होता है, मारा जाता है, एक आम आदमी की पीड़ा मैंने बयां की है। एक आम आदमी कह रहा है कि क्यों मुझे जीने नहीं देता ये आतंकवाद, क्या बिगाड़ा है मैंने उसका, क्या गुनाह हुआ है मुझसे। मेरी माँ के कुछ सपने हैं, मेरी बहन के कुछ अरमान हैं, मेरे कंधों की कुछ जिम्मेदारियां मुझे पूरी करनी है। क्यों बार बार अनाथ कर जाता है ये आतंकवाद, घर से निकलता हूँ तो सोचता हूँ कि आज पिताजी के कंधों की जिम्मेदारियां उठा लूंगा, घर से निकलता हूँ तो सोचता हूँ कि आज पिताजी के कंधों की जिम्मेदारियां उठा लूंगा, मुझे क्या पता कि आज पिताजी को मेरी अर्थी का बोझ उठाना पड़ेगा। क्यों मेरे माँ बाप की आंखों को रुला देता है ये आतंकवाद, मुझे मारकर कौन सी जन्नत पाएगा ये, जबकि ऊपर वाले की रूह को भी रुला देता है ये आतंकवाद। ये मैंने लिखी कविता आपको नहीं समझ में आई क्या, जानते हो मेरे बारे में हा? जो मुझे गालियां देते हो तुम, तुमने देश से बड़ा एक नेता बना दिया। देश से बड़ा कोई नहीं होता भैया, तुम्हारी खुद की पार्टी भी नहीं होती। तुम्हारी पार्टी के नेता अगर गलत कर रहे हैं तो आवाज उठाने में कोई हर्ज नहीं है, उठाओ आवाज, बनो सुनीता यादव और उठाओ अपनी आवाज, चाहे तुम कितने ही आम आदमी क्यों ना हो, तुम्हारी आवाज बुलंद करो। जहां गलत हो रहा है वहां आवाज उठाओ तुम। क्यों आपने डॉक्टर कफील को सिर्फ इसलिए बंद रखा है कि वो मुसलमान है, पर आपने ये नहीं देखा कि अभी कोरोना का संकट चल रहा है तो डॉक्टरों की जरूरत है जितनी ज्यादा हो सके उतनी। आज के पेपर भी आप पढ़िए ना, आज का पेपर भी आप पढ़िए तो कितने सारे डॉक्टर जो है, 11 डॉक्टर और 7 नर्स आज भी संक्रमित हो गए, एक ही शहर की खबर है ये। तो डॉक्टरों की ज्यादा जरूरत है, डॉक्टरों के लिए आप आवाज उठाइए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, क्या फर्क पड़ता है, जनता की सेवा करेगा ना। अभी ज्यादा जनता को उन्हीं की जरूरत है, ऐसे गाली देने वाले कपूतों की जरूरत नहीं है हमें, मैंने पहले ही बोला। आगे आगे, तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ मोदी जी को ही निशाना साधती हूँ, ये देखो ये कब की है मेरी कविता, ये देखो, मोदी जी नहीं थे तब, मोदी जी नहीं थे, तुम्हारी कसम, मैंने पहले ही कहा। एक आम आदमी जो किसी से अपनी बात बयान नहीं कर सकता, एक आम आदमी जो अपने नेता को भी नहीं समझा सकता अगर वो गलत कह रहा है तो, एक आम आदमी बेचारा, एक भारत का वासी, अगर उसे अपनी व्यथा अपने भारत के बारे में बात करनी है तो वो किससे करेगा, वो अपने भगवान से करेगा। जिससे पहले मैं समझती नहीं थी कि मुझे किस तरह अपनी बात रखनी चाहिए, तो मैं कविताएं लिखती थी,
अब मैं वीडियो बनाती हूँ। और मैंने कहा हो सकता है कि मैं अपने भारत के लिए, मुझे और बर्बादी दिखे और भारत के लिए, तो मैं अपने सड़कों पे भी उतरूंगी, मैं उतरूंगी, मैं ऐसी हूं, मुझे प्यार है मेरे भारत से और मेरे भारतवासियों से। मैं क्या करूं, मैं ऐसी हूं। किसी की भी सरकार रहे, सब सुन ले, किसी की भी सरकार रहे, मैं आवाज उठाऊंगी, मैं उठाऊंगी। ये देखिए, ये मैंने लिखा है कि हे ईश्वर, एक आम आदमी किसी से बात नहीं कर सकता तो अपने भगवान से कहता है। जैसे मैं अपने भारत के बारे में सोचती थी तो अपने भगवान से कहती थी कि हे ईश्वर, देखता तो है तू मुझे पर दिखता क्यों नहीं तू मुझे, सुनता तो है तू मुझे पर कभी कुछ सुनाता क्यों नहीं तू मुझे। क्योंकि हम सारे लोग जो ना भगवान के पास जाते, हे भगवान ये काम कर दे, हे भगवान, हे ईश्वर, हे अल्लाह।